Hello everyone, in this video we will see the solution of question number 9. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों साइड को प्रूफ कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। अगर एक साइड को मैंने प्रूफ किया वो दूसरे साइड इक्वल नहीं है, दैट मींस LHS अगर RHS इक्वल नहीं है तो RHS को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इक्वल करने का कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी करना है। तो चलिए लेते हैं लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड में क्या है, cos a minus sin a into sec a minus cos a है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। cosec a can be written as 1 by sin a, फिर माइनस है, माइनस लिख दे sin a था, sin a लिख दे। sec a को क्या लिख सकते हैं, sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1 by cos a, माइनस था माइनस cos a था, cos a लिख दिया। अभी लेफ्ट साइड को देख लीजिए, फिर राइट साइड भी बता दूंगा, ठीक है। अभी क्या है, 1 by sin a और यहाँ पे क्या था, माइनस आई है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा नीचे में क्या, साइन ए हो गया और यहाँ पे वन था वन हो गया, माइनस था माइनस हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। दैट मीन्स वी हैव 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए। उसके बाद यहाँ पे भी क्या करेंगे, मतलब नीचे में क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर, मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, दैट इज साइन स्क्वायर ए होता है, मैंने लिख दिया। अब देखेंगे नीचे क्या बचा, साइन ए, यहाँ पे कॉस ए बच गया, ठीक है। अभी देखिए ये कॉस ए से यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन दो कॉस है, एक कॉस कट गया एक कॉस बच गया। यहाँ पे भी साइन से साइन कट गया, मतलब कितना बच गया, एक साइन बच गया आपका, ठीक है। तो मेरा बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। अभी देखिए कॉस ए इंटू साइन ए आ गया है ना, हमको लाना कितना था, 1 बाय 10 ए प्लस 4 ए, बट ये तो आया नहीं, इक्वल तो आया नहीं है, तो इधर भी मतलब राइट साइड में भी सॉल्व करेंगे। चलिए राइट साइड लेते, 1 बाय 10 ए प्लस 4 ए, ठीक है। तो tan a का वैल्यू क्या होता है, sin a डिवाइडेड बाय cos a, और a का वैल्यू क्या होता है, cos a डिवाइडेड बाय sin। देखिए आराम से देखना है, हर एक स्टेप को देखना है ध्यान से, ठीक है। आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, अगर समझ में नहीं आता प्लीज डू कमेंट, ठीक है। नाउ सी हियर, 1 बाय, अब यहां पे देखो cos a और sin a का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, निकाल दिया LCM निकालेंगे तो ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो गया प्लस यहां पे cos था cos स्क्वायर a हो गया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और मल्टीप्लाई ये नीचे में है ना जी, नीचे में मतलब किस में है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, जब चेंज होगा तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला नंबर चला गया ऊपर और ऊपर वाला नंबर आ गया नीचे, ऊपर में क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके नीचे, उसके लिए नीचे में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आई हैव टोल्ड यू दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, 1 था, 1 लिख दिया। अभी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आ जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। अभी देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आपका इक्वल है, यस, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू आर एच एस, एन एच इज इक्वल टू आर एच एस, इट्स प्रूव्ड। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में क्या है, तीन साइड दिए, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड, ये तीनों साइड को हम लोग क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। जब तक ये देखते हैं फर्स्ट साइड में, फर्स्ट साइड में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, यस, sec स्क्वायर ए का होता है, लिख दिया, ठीक है। फिर नीचे क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर ए का, लिख दिया। अभी मैं फर्स्ट साइड को बना रहा हूं, फिर सेकंड साइड, फिर थर्ड साइड में चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट साइड में क्या आ गया, sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 बाय cos स्क्वायर ए। देखो sec का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय cos, तो sec स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, cosec स्क्वायर ए इक्वल टू वी कैन राइट 1 बाय sin स्क्वायर ए, लिख दिया, ठीक है। 1 बाय cos स्क्वायर ए इनटू डिवाइडेड बाय, एक्चुअली में 1 बाय sin स्क्वायर ए, तो ये अगर इनटू डिवाइड में इनटू में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे हो जाएगा, तो लिखेंगे sin स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, cos स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, एक्चुअली में tan इक्वल टू sin बाय cos थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू, बट आप अगर tan स्क्वायर, यहां पे sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, तो यहां भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, याद रखेंगे, ध्यान देना है, ऐसा फॉर्मूला आप लिख के याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड साइड में, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए टू होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय क्या था,
वन माइनस कोट है, कोट के प्लेस पे टेन का वैल्यू लिख दिया, वन बाय टेन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, नीचे में क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय क्या हो गया, टेन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन हो गया। यहाँ पे ए होगा, ए लिख देते हैं। चलिए अब आगे क्या करना है आपको, ये डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा, किसमें हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, तो ये नीचे वाला नंबर चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, टेन ए माइनस वन है, अगर यहाँ पे टेन ए माइनस वन रहता तो क्या हो जाता, कट जाता, लेकिन यहाँ पे टेन है माइनस में और वन है प्लस में, इसमें अगर हम लोग चेंज करना चाहें साइन को तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन किसमें हो जाएगा, प्लस में, और ये वन किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे देखिए टेन ए माइनस वन और ये टेन ए माइनस वन दोनों क्या हो गया, सिमिलर है, तो दोनों कट जाएगा, कट गया। यहाँ क्या बचा, माइनस, यहाँ क्या बचा, टेन ए, और यहाँ क्या था, स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस टेन ए स्क्वायर, माइनस टेन ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए फर्स्ट साइड में हम लोग का क्या आया, टेन स्क्वायर ए, सेकेंड साइड में हम लोग का सॉल्व करने के बाद क्या आया, टेन स्क्वायर ए, और थर्ड साइड में क्या है, टेन स्क्वायर ए, मतलब क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल अपलोड the solution video of RD Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of RS Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution, okay? So please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye everyone. Thank you for watching my videos.